नमस्कार। गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सुख पक्ष दाते। राहु और केतु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम किसी को भी डरा सकता है। कुंडली में बाकी ग्रह कैसे हैं, शायद इस बात की फिक्र किसी को नहीं होती है, लेकिन राहु केतु का जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है या फिर वो किस तरह से जीवन को प्रभावित करेंगे, ये जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। आज हम बात करेंगे केतु की। केतु की कौन सी चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये जानेंगे। साथ ही राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। केतु कुंडली के कौन से घर में शुभ प्रभाव देता है, मानव जीवन पर केतु का प्रभाव और उपाय, केतु की कौन सी चाल बदलेगी आपकी जिंदगी, राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, आपको करना क्या है, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहे तो धार्मिक कार्यों की ओर मन आकर्षित रहेगा, परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो आज दिन ठीक ठाक है। परिवार की तरफ से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा, मनोरंजक यात्राएं भी हो सकती हैं और कामकाज में भी सफलता का दिन है, परंतु बेमतलब का कोई झूठा आरोप लगने के कारण मन अशांत हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी, मित्र वर्ग का अच्छा साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव आ चुकी, आज हम बात करेंगे केतु की। केतु पर कुछ और सवाल मैं पहले आपसे पूछूं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए कि केतु आखिर है क्या। केतु यानी कि बुद्धि का वो वाला हिस्सा जो इंसान को इंसान बनाता है या कई बार इंसान को हैवान बनाता है। इसी में दुनिया के अंदर सबसे बड़े उपकारी जो होते हैं वो केतु शुभ में पैदा होते हैं, और जितने सीरियल किलर होते हैं या बहुत बुरे कर्म करने वाले होते हैं वो बुरे केतु से संबंधित होते हैं। यानी कि हमारे विचारों के आधार का नाम केतु है। इसका एग्जांपल मैं कैसे दूंगा बेटा, घर के अंदर जो वफादारी का गुण, दूसरों को माफ करने का गुण, संस्कारों को अपनाने का गुण और अपने पिता को माता को भगवान मानने का गुण, अपने गुरुओं की दी हुई शिक्षा को अपनाने का गुण और अपनों के साथ वफादारी का गुण, ये सब कुछ केतु देता है जो कि शुभ होता है। और अपने पिता को ही ये कहना कि तूने पैदा करके मेरे पे कोई एहसान नहीं किया या मेरे को पाल के कोई एहसान नहीं किया, अपने भाइयों से चिढ़ना, अपने यार दोस्तों से चिढ़ना, हर वक्त टेंशन देने लेने की बीमारी को घर पे रखना और किसी के लिए भी बेमतलब के विचार बुन करके उसको टेंशन देते रहना, या आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो कहते हैं कि नहीं, जो हमने सोच लिया वही सत्य है, और उसके बाद दूसरे की करनी के अंदर कमियां निकाल निकाल कर उसको परेशान करना और बाद में स्वयं भी दुख भोगना, और किसी को भी तंग करने की बुद्धि अपने अंदर आने के बाद उसको बड़ी शिद्दत से निभाते चले जाना और उसको दुखी करते चले जाना और अपने लिए ऐसे हालात खड़े कर लेना कि जिसमें दुनिया हमारी दुश्मन बन जाए, इसका नाम है खराब केतु। और इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग
माहौल को बिगाड़ते हैं, आराम से चल रहे दुनिया को ये खराब करने का काम करते हैं और बाद में अपने लिए एक ऐसे कांटे बो लेते हैं कि जिसके अंदर इनके दुश्मन इतने बढ़ के इनको इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, बाद में ये परमात्मा को चीख चीख के दुहाई देते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी गलती एडमिट नहीं करनी होती। ये होता है बेटा खराब केतु। और केतु का ही वजूद ऐसा है जो इस धरती के ऊपर वफादारी, प्यार, सौहार्द, ममता, भक्ति, इन सबको देने वाला जो कारक बनता है वो केतु ही होता है। और जितनी अच्छी फीलिंग वो भी केतु ही देता। राहु के बिना केतु अधूरा है और केतु के बिना राहु अधूरा है। सोच बना करके रखना ये केतु का काम, सोच को इंप्लीमेंट कर देना ये राहु का काम। इसलिए राहु और केतु दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जहां राहु होगा उसके ठीक सामने केतु होगा। और इसीलिए आप जन्म कुंडली के अंदर भी देखते हैं कि जहां भी राहु बैठा हो उसके ठीक सातवें स्थान के ऊपर केतु होता है और जहां केतु होता है उसके सातवें स्थान पर राहु होता है। तो बेटा हमारी सोच, वफादारी, भक्ति, ज्ञान, गुण, ये सब कुछ केतु ही देते हैं और जिसका केतु उत्तम उसका जीवन उत्तम। गुरुदेव, चूंकि बात हम केतु की कर रहे हैं, आपने केतु क्या है ये तो हमारे दर्शकों को समझा दिया, लेकिन कुंडली में कौन से घर में केतु है अगर अच्छे प्रभाव देने हैं? केतु के लिए जो घर बने रहे, जो वाकई में बहुत अच्छा शुभ प्रभाव देने के लिए बने हैं, वो है जन्म कुंडली का आठवां घर, नौवां घर, दसवां घर और बारहवां घर। इन घरों के अंदर बैठा हुआ केतु सदा ही अच्छा फल देता है, समझे? और इन घरों की खासियत क्या है? आठवें घर के अंदर बैठा हुआ केतु काम के अंदर बहुत डेडिकेटेड इंसान को बनाता है। और आपको मैं बताऊं कि जो भी कंपनियों के कोई भी वर्कर जो अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक उठा करके ले जाते हैं, वो सब लगभग केतु के अष्टम भाव की स्थिति के कारण लेके जाते हैं। जिन लोगों के अंदर वफादारी कूट कूट के भरी हुई होती है और हर किसी के लगभग वफादार होते हैं और अपने कामों को बड़ी शिद्दत से अंजाम देते हैं, वो नौवें घर का केतु होता है। जो लोग ब्रांड बिल्डिंग का काम करते हैं, अपना भी नाम ऊंचा करते हैं, लोगों के ब्रांड को भी बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों का काम करके ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उनको ले जाते हैं, वो केतु दसवें घर का होता है। और बारहवें घर का केतु ये बड़ा अजीब है। इसके लिए कहा जाता है कि बारहवें घर का केतु हो, अगर इंसान पूजा पाठ में ज्यादा चला जाए, आध्यात्मिक ज्यादा हो जाए, तो ये आध्यात्मिकता के अनुसार ही रोटी देगा, यानी कि सिर्फ आई चलाई चलेगी। और कहीं इंसान थोड़ा चुस्त, चलाक और तेज हो जाए और बहुत ज्यादा भक्ति में टाइम ना खर्च करके ज्यादा से ज्यादा टाइम काम के अंदर खर्च करे और अपने यहां कुत्ते पालने का शौक रखे और कुत्ते पाल के चले, ये जिंदगी के अंदर इतनी ऊंचाई देता है कि जहां पर केतु कहीं और दूसरी जगह पे इतना अच्छा नहीं हो सकता, समझे? ये लेकिन केतु के बाकी जितने भी घर हैं ये लगभग किसी न किसी रूप में तकलीफ देते ही देते हैं, लेकिन सबसे उत्तम केतु आठवें, नौवें, दसवें और बारहवें घर के अंदर होता है। और अब राशियों के मुताबिक दिन के हाल की बात कर लेते हैं, गुरुदेव से जान लेते हैं कि कैसा रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। किसी से विवाद हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि पेट पे कोई खराबी या दिक्कत महसूस हो सकती है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है। सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर दिन अच्छा है। कामकाज में लाभ की स्थिति होगी, मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा और यात्रा होने की भी संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है, परंतु परिवार के अंदर किसी का स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता हो सकती है। आज आप मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। मीठी वाणी के कारण दूसरों से मित्रतापूर्ण संबंध वो कायम होंगे और आप अपने काम को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं,
तो करना क्या है, तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानियों में मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है ग्रेटर नोएडा से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1986। मेरा जन्म चिपियाना गांव में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, शाम को 7:45 पर। मेरी समस्या यह है गुरु जी कि मैं कोई भी काम शुरू करता हूं तो काम शुरू होने के बाद में कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिसमें मैं सफल नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं गुरु जी कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मेरी इस समस्या का समाधान हो सके। पहले तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर वो अच्छा योग विद्यमान है जो सारी जिंदगी काम देके इंसान को बढ़ती उम्र के साथ में हर तरह का अच्छा स्टेटस दिलवाने का काम करता है। इसको हम कहते हैं कि गरीब के घर में विष्णु भगवान पधारे, मंगल दसवें घर के, बहुत उत्तम। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा दो योग बुरे हैं। पहला है 12वें घर का चंद्रमा, कहते हैं अगर माता पिता से कोई भी पैसा लेकर के काम धंधे में डालोगे वो मिट्टी हो जाएगा। अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हो, दया करके उनके पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम करते हो या साधु महात्माओं की सेवा करते हो तो ये चंद्रमा बहुत ही बुरा फल देता है, उसके बाद में ये उठने नहीं देता और यही हर खुशी के बाद गम देता है। और बढ़ती उम्र के साथ में आदमी के लिए सिर्फ एक कहावत रह जाती, कभी हम भी रईस हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे। इस योग का इलाज जरूर करना बेटा। और दूसरा गुरु चंडाल, ये गुस्से की मात्रा को बढ़ाएगा, याद रखने की क्षमता को कमजोर करेगा, हो सकता है ये जुकाम साइनस भी दे, नहीं तो शरीर के अंदर दर्द तो देगा है। और यही बड़े बुजुर्गों के साथ और घर के अंदर की सुख शांति के लिए इसका योग बहुत बुरा है और यही पूरी तरह से लाभ को बचने नहीं देता। ये दूसरा योग है खराब बेटा। सिर्फ इन दो योगों का इलाज कर लेना बेटा, सारी जिंदगी के लिए अच्छापन मिल जाएगा। और जब भी जिंदगी में रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत आए, ये जो मैं कपूर की टिक्की वाला उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये जरूर कर लेना। और ये उपाय है 43 दिन 12 कपूर की टिक्की लेकर के जल प्रवाह करना और कांच के मर्तबान के अंदर बरसात का पानी भर के रखना, ढक्कन लगा के अपने कमरे में रखो और ये बरसात का पानी कभी भी कम मत होने देना, बढ़ा सकते हो कम मत होने देना, यही तुम्हारी समृद्धि का राज बनेगा। एक ये, दूसरा गुरु चंडाल योग को यहां ठीक करना बहुत जरूरी, उसके लिए 43 दिन 1 किलो जौ 2 किलो दूध के साथ धोकर के उसको जल प्रवाह करो और 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखो। उसके बाद एक और काम, सुलेमानी हकीक काला सफेद, बहुत सस्ता सा नागा बेटा, काले रंग का होता है और ऊपर बारीक बारीक पतली लाइनें होती हैं व्हाइट कलर की, और ये नग लेके चांदी में मंडवा के अपनी बीच वाली उंगली के अंदर, जो सबसे बड़े वाली उंगली, इसमें धारण कर लेना और 43 दिन गाय के जूठे पानी के साथ इसको धो लेना। मात्र बेटा इतने से उपाय कर ले, परमात्मा की दया से तेरे अंदर जो गुण है वो तेरे को इतनी तरक्की देंगे जितना तू सोच नहीं सकता। पर जिंदगी के अंदर ऐसा वक्त तेरे जरूर आएगा जब तू घर बनाए और दीवारें खड़ी कर दे लेकिन ऊपर छत ना डाले। जिस दिन ऐसा दिन आया वो तेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उस वक्त तो बेटा घर का सामान बेच के भी अगर घर के ऊपर की छत डलवा देना तो ये बुरे दिन बचेंगे नहीं। किसी भी सूरत में बनते हुए मकान को अधूरा नहीं छोड़ना है, इस बात का खास ध्यान रखियो। और जब तक तेरे पास पूरा पैसा हो ना, मकान बनाना शुरू मत करना। अगर मेरी इस नसीहत को याद रखा और ये उपाय कर गए तो तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, सारे काम तेरे बनेंगे और हमेशा जिंदगी में सुखी रहेगा। खुश है दादा। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत भी आपसे जारी रहेगी लेकिन तो इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए,
फिर अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, मैं वैभव गर्ग, मेरी जन्म तिथि है 18 जून 1985, समय है 10:36 सुबह का। ठीक है बेटा। और स्थान है नई दिल्ली। ठीक। गुरुदेव, मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की थी, आपने जो उपाय बताए थे मैंने कर लिए। एक तांबे का सिक्का 43 दिन जल प्रवाह कर दिया। बिल्कुल ठीक है। एक दूध में मक्खन डाल के 43 दिन मंदिर में दे दिया। बिल्कुल। और एक नारियल 10 बादाम वो बाद ही मैंने 43 दिन। शाबाश। और चांदी के लोटे में मैंने शहद भर के रखा हुआ 1 किलो। बहुत अच्छे बेटा। अभी ये बताओ, बृहस्पतिवार मैं चने की दाल दे रहा हूँ मंदिर में। शाबाश। अभी बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज आपसे। बोल बेटा। आपकी वजह से मेरे स्वास्थ्य को कम से कम, नहीं तो कम से कम 80-85% लाभ हुआ। मेरी 32 साल उम्र है, मुझे शुगर हो गई थी 450। हाँ बेटा। आज मेरी शुगर वो 120-125 पे है। दवाइयों का दौर मेरा रुक गया है। माता रानी सुख दे, खुश रहे तुम्हें बेटा। दो और गुरुदेव, मेरे जो मानसिक परेशानी थी बीच में, मेरे को डिप्रेशन की शिकायत हो गई थी, वो भी मेरी अब कम से कम 75% सॉल्व है। दाता खुश रहे बेटा। गुरुदेव, मेरी एक गुजारिश है, मैंने बचपन से ना बड़े दुख देखे, मैं चाहता हूँ मेरी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए, गुरुदेव मैं सब कुछ पा लूंगा इस दुनिया में। अब बेटा सुनो, जो जिनने दूध में मक्खन वाला उपाय बताया, हम ये पिछले दिनों के एपिसोड के अंदर ये बताते रहे हैं कि ये स्वास्थ्य, रुपया, पैसा, इन सब का ये धुआं निकाल देता है। शुक्र होगा मैं, ये दूध में मक्खन वाला उपाय करके तुमने पहली जंग जीत ली। दूसरा, अब 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय वीरान जमीन के अंदर दबा दो, इसे और सुखाएगा। एक तो ये। दूसरा, मंगल और बुध का मेल, ये बेटा तुम्हारे लाभ स्थान के अंदर बैठा है, और इसके लिए कहा जाता है कि अगर इंसान शराब पिए तो उसकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी और धन का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अब तुम शराब तो नहीं पीते, लेकिन तुम्हें पहले से ही दवाइयां लग चुकी हैं, जो वाकई में दवाइयां भी शरीर को स्थिर करने का काम करती हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? इसके लिए तुम्हें नेचुरल एंटीबायोटिक चाहिए, और हमारे यहां भारत देश में सबसे बड़ा नेचुरल एंटीबायोटिक जो है वो है गंगा जल। गंगा जल के बारे में कहा जाता है बेटा कि धरती के ऊपर और कोई दूसरा पानी ऐसा नहीं है जिसको पीने से अंदर से बीमारियां भी खत्म होती हो, इसीलिए गंगा मैया को अमृत धारा बोला जाता है। इसीलिए बेटा, चाहे कुछ करना पड़े, सुबह जो उठ करके सबसे पहले तुमने ब्रश करना है, जो कुल्ला करना है, वो गंगा जल से करना है। और अगर तुम अपने दांतों को गंगा जल के साथ साफ करते रहे और सुबह हर रोज 2 घूंट तुम्हारे अंदर जाते रहे, तो ये मंगल और बुध का मेल बुरा ना होकर के तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे फल देगा, जिससे तुम्हारी कमाई भी बहुत अच्छी बनेगी। एक तो ये। दूसरा, बृहस्पति का उपाय तुम कर रहे हो कि हर बृहस्पतिवार को 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे रहे हो। ये उपाय अगर तुम नहीं रोकोगे और लगातार 1-2 साल और करते रहोगे बेटा, ये ही उपाय तुम्हें इतना सुख दे देगा कि तुम्हें फाइनेंशियली हालात तुम्हारे बहुत अच्छे बनेंगे। और तीसरा, गंगा जल ज्यादा से ज्यादा घर में रखना, और दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 10 को हर 6 महीने बाद खाना खिलाना शुरू कर दो, कन्फ्यूजन की स्थितियां खत्म हो जाएंगी। और हर 3 महीने में 3 दिन लगातार 43-43 सिक्के तांबे के लेके एक एक करके जल प्रवाह करने, ये हर 3 महीने बाद करते रहना बेटा, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी जिंदगी बहुत आराम से चलेगी, और फाइनेंशियल स्टेटस तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, और कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी, और अपने जोश के साथ अपने आप ही अपनी जंग जीत जाओगे। दाता सुख देता। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने शरीर के अंदर आलस्य को नहीं भरने देते और सुबह से अपनी चुस्ती बना करके रखते हैं, तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, पारिवारिक सुख मिलेगा, नए मित्रों की मित्रता प्राप्त होगी, और स्वभाव में भी काफी अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन लगभग अच्छा है, परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, नए कार्यों के प्रति भी आकर्षण बना रहेगा, परंतु किसी भी काम में की हुई लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए जो कार्य करें आज पूरा ध्यान पूर्वक करें।
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आप प्रभावी व्यक्तित्व दिखाई देंगे। आज आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राएं भी अच्छी होंगी और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केतु की। गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि अगर केतु खराब स्थिति में है तो क्या कुछ प्रभाव होते हैं, क्या कुछ दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उपाय भी अब आप ही बताइए, क्योंकि दर्शक उपाय जरूर जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। केतु अगर अपने पिता के साथ में भी विचारों में तकरार रहे, अपने भाइयों के अंदर कमी निकालने की आदत पड़ जाए और अपनी बुद्धि को सर्वोपरि समझना और दूसरे की बुद्धि को तुच्छ समझना और अपनी इज्जत सिर्फ कमी निकाल निकाल के खराब करना और दूसरे की जलूस निकालने की पूरी तैयारी करना, इस तरह का अगर बुरा केतु हो, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। वरना दुश्मन इतने ज्यादा हो जाते हैं जिंदगी के अंदर कि बुढ़ापे के अंदर कोई पानी तक पूछने वाला इंसान नहीं हो बचता। आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके लिए आप स्वयं भी कहते होंगे कि इसने पूरी जिंदगी किसी को दिया क्या है जो इसकी जाके मदद की जाए, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ये वाली जो स्थिति है ये बड़ी खराब होती है बेटा। इसको अगर अभी से ठीक कर लोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे, वरना बहुत दुखी। और उसके लिए सबसे पहले काला सफेद कंबल लेकर के उसको अपने सर से सात बार उतार के वीरान जमीन के अंदर दबाओ, ये हर साल दबाना है। और दूसरा, कान छेदन कर 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर, और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ बेटा, ये केतु की अवस्था को अच्छा करेगा। दूसरा, केतु यहां से छोड़ के दूसरी तरफ अगर खराब होता है, अगर मान लो कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, इनकी तकलीफें अगर ज्यादा बढ़ जाए, अगर किसी इंसान को फोड़े फिंसी ये निकलते रहे और उनका इलाज ना हो पाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं लेकर के उसको जल प्रवाह करो या चने की दाल 400 ग्राम लेकर के 43 दिन जल प्रवाह करो, इससे ये सारी मुसीबतें हटती हैं। और अगर औलाद की पैदाइश से संबंधित अगर दुख हो, यानी कि बेटे के सुख पाने हो और नहीं संभव हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में अपने घर के अंदर कुत्ता पालो और कुत्तों की सेवा करो। ये कि कुत्ते की सेवा, कुत्ता दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दरवेश माना जाता है बेटा, जिसके अंदर वफादारी का गुण कूट कूट के भरा होता है। और केतु की जो सबसे उत्तम अवस्था होती है वो वफादारी का गुण जिस इंसान में होता है उसके अंदर केतु के गुण होते हैं। और जन्म कुंडली के 9वें घर के केतु के बारे में कहा जाता है कि ऐसा इंसान स्वयं भी दरवेश जैसी ही ताकत रखता है। अगर कोई बे औलाद उसके पांव हाथ लगा करके औलाद का आशीर्वाद लेता रहे तो उस इंसान के औलाद भी जरूर होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये परहेज करते हैं कि अगर कुत्ता घर पे रखो तो स्मेल आती है, पर बेटा मैं आपको बताऊं, कुत्ते की जो स्मेल है उसके शरीर में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो सही मायने में वफादारी के गुण को बढ़ाने का काम करती है, ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है और प्लस अपने अंदर धैर्य देने का काम करती है। और ये अगर चीजें अपने अंदर आ जाए तो इंसान अपनी पॉजिटिव सोच को लेकर के जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की करता है। इसीलिए कुत्ते को पूरा पक्का साथी मानो। और इसीलिए लाल किताब के अंदर एक अध्याय आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर पापी ग्रहों को खुश रखते हैं तो हम जीवन में सदा ही सुखी रहते हैं। और उनको खुश रखने का तरीका क्या है कि घर की पहली रोटी बनाओ, आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। जो भी इंसान ये उपाय लगातार करता है उस इंसान के घर के अंदर कभी बड़े बड़े दुख वास कर ही नहीं सकते, और अगर बड़े बड़े दुख आने के योग भी लिखे हों तो वो भी टल जाते हैं। तो बेटा केतु के ये उपाय करो और सदा सुखी बसो। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा।
मकर राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। दिन की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य घर परिवार में संपन्न हो सकता है। आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु दिन बीतते हुए किसी से बेमतलब के बेवजह के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध आपका बढ़ सकता है, जिस पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना दिन बिगड़ भी सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, बाकी सब चीजों में दिन उत्तम है। आज के दिन कामकाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली और परिवार का भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों को आज बड़े बुजुर्गों का सानिध्य तो अच्छा प्राप्त होगा, उनकी तरफ से सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु बाकी दिन उत्तम नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। क्रोध पर काबू करना बहुत जरूरी है और आज किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए यात्रा में बहुत संभल करके रहें। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी सब फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदामा पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरोहा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। गुरु नमस्कार, मेरा नाम सुदामा पाल है। मेरा जन्म 1 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हुआ था, सुबह 7:30 बजे के। मेरी समस्या यह है कि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लेकिन वो ठीक से रन नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस वर्ष शुरू हो पाएगा? बेटा, शिक्षा संस्थान चलाने के लिए तुम्हारी कुंडली वाकई में अच्छी है, लेकिन यहाँ कुछ एक चीजों का एहतियात देना पड़ेगा तुम्हें। और वो क्या? वो ये कि चंद्रमा छठे घर के अंदर बैठे हुए कहते ऊपर की इनकम के बहुत बड़े ये साधन क्रिएट करता है, और वाकई में जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ मेलजोल करके उनसे हर महीने पैसे लेने वाला कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का हो, उसके अंदर चंद्र छह की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसीलिए अगर तुम सार्वजनिक रूप से बाहर लोगों में दूध और पानी का वितरण नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा, और अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। और अगर तुम शमशान घाट में या किसी हॉस्पिटल में अगर तुम प्याऊ लगवाते हो और हर 2-3 साल बाद अगर लगवा देते हो, तो बेटा जितने ये प्याऊ लगवाते जाओगे तुम्हारे स्कूल बढ़ेंगे, एक बात तो ये। दूसरी बात, तुम्हारे स्कूल में जितने लाल रंग के फूल होंगे, लाल रंग के गुलाब होंगे और लाल रंग की दीवारें होंगी, तुम जिंदगी में उतने ही तरक्की पाओगे। और लाल रंग का पत्थर फर्श पे लगाओगे तो सोने पे सुहागा होगा तुम्हारे लिए, ऐसे में जिंदगी में बहुत तरक्की पाओगे। फिर एक, अगर अपने गले में सोने की चेन धारण करके चलोगे और हर महीने गरीबों में कंबल वितरण दोगे तो बेटा जिंदगी के अंदर कभी बुरा दिन नहीं देखोगे, समझे? लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े दान जाकर के करोगे तो बेटा तब तकलीफों में आओगे, और जब भी कंस्ट्रक्शन होगी तब तब सरकारी पंगे भी तुम्हारे लिए पड़ेंगे और घर में दवाइयों का दौर भी आएगा। इसीलिए जब भी किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन करते हो उस वक्त में खास तौर पे यह ध्यान रखना है कि उन दिनों के अंदर एक नारियल थोड़े से साबुत बादाम लेके हर शनिवार को दान करते रहो, जब मकान बनना शुरू हो या जो भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जब तक वो खत्म हो, और बाकी के ये उपाय अपना के चलो बेटा, तुम्हें जिंदगी के अंदर दुखी नहीं होना पड़ेगा। हाँ, अब होगा क्या, शुक्र देव लगन के अंदर बैठे हुए हैं, कहता है ऐसा इंसान अगर घर का मोरी हो जाए, यानी कि परिवार का मुखिया बनके सारे खर्चे करने लगे तो वो पैसे को बर्बाद कर देगा। इसीलिए किसी बड़े के साथ में सलाह करके उसकी सलाह के अनुसार जीवन को चलाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फलदायी रहेगा। स्वयं अपनी मनमर्जी कर करके पैसा खर्चना तुम्हें खराब भी कर सकता है, और अगर तुम शराब मांस या बुरी सोसाइटी में गए या तुम तब खराब हो जाओ। इसलिए बेटा मेरी इन बातों का ध्यान रखो, और जो मैंने कहा है सिर्फ इतनी सी बात अपना के देख लो, तुम्हारा व्यवसायिक संस्थान भी और खुलेगा, यानी कि शिक्षा संस्थान और खुलेगा, और आगे जिंदगी में सदा तरक्की पे रहोगे। खुश रहे माता। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए।
गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं गोविंदा, सिक्किम से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वर्ष और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 3 जुलाई 1969। ठीक है, जन्म का वक्त बताइए। 5:30 बजे शाम। शाम में, ठीक है। जन्म का स्थान बताइए। स्थान है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। क्या जानना चाहते हो बेटा? मेरा एक्चुअल अभी प्रॉब्लम चल रहा है, घर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। जो उपाय आपने वो कुंडली में दिया था, मैं वो सब कर रहा हूँ एक एक करके। तो मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, थोड़ा आपसे जानने के लिए। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि देव चौथे घर के अंदर बैठे, जो खराब वाले हैं। और ये बात मैंने तुम्हें बताई होगी कि जब भी मकान बनाओगे, रिपेयर करोगे, तुम्हारे घर में दवाइयों का दौर आएगा, किस किस के माहौल बनेंगे, बेमतलब का पैसा खराब होगा और काम काज से संबंधित दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी। और यही शनि सबसे ज्यादा खराब होने के कारण तुम्हारे घर के अंदर जितनी ज्यादा सीलन रहेगी, तुम्हें जिंदगी के अंदर उतनी ही तकलीफें फाइनेंशियली, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित बनेंगी। ठीक है, अब इस योग का अगर तुम इलाज करते रहे और घर में बार बार तोड़फोड़ नहीं करी और मकान नहीं बनाए, तो तुम जिंदगी में सुखी, वरना जितनी बार तोड़फोड़ होगी उतने ही ज्यादा दुखी। इस शनि देव का इलाज तुम अगर सारी जिंदगी करते रहो तो सबसे उत्तम होगा। एक ये। दूसरा, सूर्य देव तुम्हारी कुंडली के अंदर सातवें स्थान पर, कहते मां और बच्चा दोनों ही दुखी और पिता और भाई के सुखों के लिए कमजोरी के योग और बार बार काम के अंदर अस्थिरता के योग। इन दो योगों को अगर तुम ठीक करके चलते हो तो बेटा तुम्हारी सारी कुंडली बहुत ही बेहतरीन है और परमात्मा की दया से सब कुछ उत्तम हालात दिखे है। और वो क्या, एक तो साल में एक बार ये उपाय जरूर कर दिया करो। और वो उपाय क्या है, हर साल 8 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबा दो, पहला उपाय ये। दूसरा, हर रोज दूध धुले चावल ये कौओं को खिलाते रहो, जिंदगी स्फूर्त चलती रहेगी। और घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर चांदी, चावल और गंगा जल रखो और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगा के चलो। बेटा, अगर ये उपाय तुम करते हो और अपने इष्ट देव को फूलों की माला, यानी कि गेंदे के फूलों की माला चढ़ाते रहे और हफ्ते की हफ्ते, यानी कि हर बुधवार को चढ़ा दोगे, तुम्हारा कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, घर की सुख शांति अच्छी रहेगी, मकानों के सुख अच्छे बने रहेंगे, वाहन के सुख मिलेंगे और आगे भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। और अभी तुम्हारे ऊपर जो महादशा चल रही है वो शनि की चल रही है बेटा, और उसके बाद में बुध की महादशा जो कि 2035 तक चलेगी, ये तुम्हें घर के अंदर हर तरह का सुख, समृद्धि और प्रॉपर्टी, पैसा, स्वास्थ्य सब कुछ देने वाली है। इसलिए अब 2035 तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 2018 नवंबर के बाद ये योग शुरू हो रहा है जो तुम्हें हर तरह का सुख देगा बेटा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, बस इन उपायों को करो ताकि सुख ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर तुम्हारे घर में आए। खुश रहे बाबा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हमेशा की तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेटा, केतुदेव आए हैं तो इन्हीं के संबंधित आज का गुरु मंत्र होगा। बेटा, जो भी इंसान खास तौर पे अपने पिता और दादा के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेता है और पिता और दादा के साथ बेमतलब की बहस नहीं करता, उसका केतु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। दूसरी बात आपको बताऊं, अगर पिता दादा नहीं है तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर इंसान कुत्तों की सेवा करता है, कुत्ता घर पे पालता है, तो उसका केतु अपने आप अच्छा हो जाता है। और जो बच्चे अपने शरीर पर बड़े बड़े टैटू बनवाते हैं, साथ ही कानों के अंदर सोने को छोड़ के और पता नहीं अलग अलग किस्म की जो धातुएं धारण करते हैं, जो भी बच्चा ये करता है बेटा, उसका केतु इतना का खराब हो जाता है, वो जिंदगी में ना कितनी भी कोशिश करके सक्सेस को ढूंढता रहे, सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर कहीं मिल गई तो वो वापस जरूर गिरेगा और उसके बाद हालात खराब होंगे। इसीलिए बेटा, भूल के भी अपने जीवन के अंदर कभी भी कानों के अंदर सोने के अलावा कोई दूसरी धातु टच मत होने दो, समझे, ये मर्दों के लिए, समझे। हाँ, सोने में जड़ा हुआ डायमंड पहनते हो कोई प्रॉब्लम नहीं,
और बल्कि सोने के अंदर जुड़वा के रुद्राक्ष पहनना चाहिए ताकि जिंदगी के अंदर आध्यात्मिक तरक्की भी हो और जिंदगी के अंदर कमाई वाली जो अच्छी सोच आनी होती है उसकी भी तरक्की हो। समझे? तो इसलिए सोना ये धारण करके रखो और जिंदगी के अंदर चाहे केतु आपका कितना अच्छा हो या बुरा हो, जो भी इंसान कंबलों का दान करता रहता है समय समय पर, अगर आपको कमर पांव पेशाब वाली जगह से संबंधित दिखते हैं, पुत्र के सुख से संबंधित दिक्कत है, तो बेटा कंबल का दान आपके लिए वरदान है। और वैसे भी अगर कंबल का दान दोगे तो तुम्हारे लिए उत्तम फल ही देगा। बस आज का गुरु मंत्र यही बेटा कि केसर का तिलक लगाते रहो, सोना धारण करके रखो और कंबलों का वितरण करते रहो, कुत्तों की सेवा करते रहो और अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहो। ये केतु देव जीवन के अंदर तुम्हें कहीं नहीं गिरने देंगे और दाता सदा सुखी रखे। बिल्कुल, तो आज का शो देखने के बाद अगर आपकी कुंडली में केतु से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही थी, कोई भी परेशानी आ रही थी, वो अब जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर आप करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव।